जी एवरीबॉडी अस्सलाम वालेकुम एंड कम बैक जी। आज आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ इंतहाई इम्पोर्टेंट करंट अफेयर यानी हर टेस्ट के लिए मुकम्मल 2020 के पीडीएफ में करंट अफेयर है। अगर आपको पीडीएफ में चाहिए हो तो मुझे व्हाट्सएप करें, मैंने व्हाट्सएप नंबर अपना इसी वीडियो में लिख दिया है, तो मैं आपको फिर भी बताता चाहता हूँ 0300 पूरा 43088 है, तो वहाँ पर आपको मैं फेल ये फाइल व्हाट्सएप कर दूँगा, ठीक है। और किसी किस्म का भी आपको पेपर चाहिए हो तो मुझे लाजमी बताएं, और अगर आपके पास कोई पेपर अभी हुआ हो तो मुझे सेंड करें ताकि मैं उसको सॉल्व करके आपके सामने पेश कर सकूं, ठीक है। ये करंट अफेयर है 2020 का, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि चाहे कोई ANF का है, चाहे वो कांस्टेबल है, कारपोल है, कोई भी है, PPSC है, KPSC है, PESCO है, LESCO है, ठीक है, MECO है, जो भी है, NTS, ITS, STS, किसी भी इदारे में कोई भी ये फार्मेसी, उनमें ये करंट अफेयर का पोर्शन लाजमी आता है। तो मैं इंशाल्लाह ये इतना इम्पोर्टेंट मैंने इतनी हिम्मत से बनाया है कि आप पढ़ें इंशाल्लाह और अल्लाह आपको कामयाब करे, तो आपका इंशाल्लाह ये इससे मैं आपका IQ लेवल और हर एक क्वेश्चन का इंप्रूवमेंट हर चीज़ की मैं डिटेल के साथ बताऊँगा, जिससे आपका हर चीज़ का डाटा क्लियर हो, ठीक है। तो मैं लेकर जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। कहते हैं कि क्वेश्चन 1 कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू UN डेटा व्हाट इज़ द पॉपुलेशन वाइज रैंक ऑफ पाकिस्तान इन 2020। कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू UNA डेटा, UNA के डेटा के मुताबिक पाकिस्तान का पॉपुलेशन के लिहाज से यानी 2020 में कौन से नंबर पर है। अभी हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि पाकिस्तान का जो नंबर था वो छठे नंबर पर आ रहा था, लेकिन अभी UNA के मुताबिक पाकिस्तान अभी तक जो पहले नंबर पर है वो चाइना है, दूसरे नंबर पर इंडिया पॉपुलेशन के लिहाज से, तीसरे नंबर पर USA आ रहा है, और चौथे नंबर रशिया, और पाँच नंबर पर पाकिस्तान, ठीक है, ये इनका आ रहा है। अगर पाकिस्तान 2020 पॉपुलेशन एस्टिमेट 220 892 14 पॉपुलेशन एट पाकिस्तान पॉपुलेशन इज इक्वल टू 2.8 ऑफ द टोटल वर्ल्ड, पाकिस्तान की टोटल परसेंटेज कितनी बनती है 2.83%, ठीक है। पाकिस्तान रैंक नंबर 5 इन लिस्ट ऑफ द कंट्री एंड डिपेंडेंस बाय पॉपुलेशन, ये 5 नंबर पर आता है, ठीक है, ये आपको MCQ क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि पाकिस्तान मोस्ट इशू स्पेशल पोस्टेज स्टैंप टू मार्क योम इस यानी इस साल को, पाकिस्तान ने पोस्ट किए है इशू स्पेशल पोस्टेज स्टैंप, उन्होंने एक स्टैंप बनाई है यानी RS-58 की टू मार्क योम इस साल के लिए। कहता है कि इनका मतलब क्या था, इन एन एफर्ट टू हाईलाइट द वेव ऑफ द टेरर अनलीस्ड बाय द इंडियन रिजम टू इंडियन इलेजली कॉपी बाय कश्मीर एंड कश्मीर, पाकिस्तान पोस्ट इशू स्पेशल कम्युनिटी पोस्ट स्टैंप कनेक्शन विद योम इस्तेहसाल टू बी ऑब्जर्व्ड ऑन 5 अगस्त 2020 को हुई थी। ये कब इशू हुई थी, ये सवाल ये भी पूछता था, ये कब जो उन्होंने याद की थी 5 अगस्त 2020 में, ये 2 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर जाता हूँ। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 3, कहते हैं कि विच बैंक सेट यानी गाइनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय इंस्टॉलिंग वर्ल्ड हाईएस्ट ATM एंड खंजरव पास। कहते हैं कि विच बैंक हैज़ सेट यानी गाइनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय इंस्टॉलिंग वर्ल्ड हाईएस्ट ATM एंड खंजरव पास, वो कौन सी है, कौन सा बैंक है, NBP यानी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री आर्मी टेक टैंक टू 12,000 फीट वर्ल्ड रिकॉर्ड हाइट। कहता है कि कौन से मुल्क का टैंक ने 12,000 फीट वर्ल्ड रिकॉर्ड हाइट है उसकी, वो है पाकिस्तान। नेक्स्ट कहता है हु मच फंड रिसेंटली एलोकेटेड फॉर द कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। कहते हैं कि कितना, कहते हैं कितना ये पाकिस्तान ने फंड रिसेंटली लोकेट किया करेंची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान फॉर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, 1100 बिलियन
पीएमए विजिटेड ऑन करेंची सितंबर 5 सितंबर 2020, जब पीएमए ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने 5 सितंबर 2020 को विजिट किया था, तो उन्होंने कितना उसके लिए प्राइम मिनिस्टर ने निकाला था, 1100 बिलियन किसके लिए, एलोकेटेड फॉर करेंची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि विच बैंक रिसीव द बेस्ट बैंक अवार्ड 2019। कहता है कि कौन से बैंक ने रिसीव किया है बेस्ट बैंक अवार्ड 2019 में, वो किया है बैंक अल्फला ने। बैंक अल्फला को 2019 में बेस्ट बैंक अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये था मेरा चैनल का नाम पीपीएससी ऑफिशियल चैनल एंड इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच इज़ द लीप ईयर। लीप ईयर किसको कहते हैं, लीप ईयर होता है 366 यानी 366 ईयर का। इन द लीप ईयर फरवरी शुड बी 29 डे लीप ईयर डिवाइडेड ऑन 4 डे। द नेक्स्ट लीप ईयर विल बी थर्सडे फरवरी 29, 2024। जो नेक्स्ट फिल वो 2024 का था। द लास्ट इफ यानी लीप ईयर डिजर्व फरवरी यानी 29 फरवरी 2020 को ये लीप ईयर हुआ था। अब ये 2024 को आएगा, ये 29 फरवरी को होता है लीप ईयर, ठीक है। नेक्स्ट, खादम हसैन रिजवी पास्ट वे ऑन विच डेट। जो खादम हसैन रिजवी थे ये पास्ट वे कब हुए, 29 नवंबर 2020 को। ये 29 नवंबर 2020 को दुनिया से रुख्सत पा चुके हैं। खादम हसैन रिजवी कब दुनिया से रुख्सत पाई थी, 29 नवंबर 2020। इसकी डिटेल से खादम हसैन रिजवी यानी ब्रेथड हिज़ लास्ट नवंबर 2020 इवनिंग ही वाज 54 यानी 54 एज के। सम ब्लेम्ड इट COVID-19 वाइल अदर हेल्प हार्ट फेलियर। कुछ कहते हैं कि इसे कोरोना वायरस की वजह से गया थे, तो कुछ कहते हैं ये हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई। हाउएवर नेदर फैमिली नॉर हिज पार्टी ऑफिशियली शेयर द काजेज ऑफ डेथ। हत्या कि उनकी फैमिली ये नहीं कह सकती कि पता नहीं कौन सी वजह से ये गए हैं, ठीक है। यानी ये जब गए हैं उसके बाद। नेक्स्ट कहते हैं कि विच कहते हैं विच ड्रामा इज बेस्ड ऑन द ऑटोबायोग्राफी ऑफ मलाइला यूसुफ़ज़ई। मलाइसा मलाला यूसुफ़ज़ई उसे कहते हैं गुल मकई यानी गुल मकई, इसे कहते हैं गुल मकई। उसके बाद गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली इलेक्शन 2020 नवंबर 15 नवंबर 2020 विन बाय पीटीआई यानी पाकिस्तान तरीके इंसाफ। कहते हैं कि गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली 2020 में इलेक्शन हुए थे 15 नवंबर 2020 को। इसमें 17 सीट नीडर पार्टी मेजोरिटी थर्ड गिलगित बाल्टिस्तान लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। टोटल सीट थी 33 और जनरल सीट थी 24। ये पूछ सकता है कि 17 सीट नीडर फॉर मेजोरिटी, लेकिन टोटल सीट कितनी थी, 33 और जनरल सीट कितनी थी, 24। नेक्स्ट कहते हैं कि नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन हैज़ बीन रीनेम्ड, उसे कहते हैं पाकिस्तान स्टीम गैस पाइपलाइन। यानी नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन हैज़ बीन रीनेम्ड एज पाकिस्तान स्टीम गैस पाइपलाइन ड्यू टू मेजर शेयर होल्डिंग फॉर पाकिस्तान पाकिस्तान रशिया टाग। यानी वन हाइट प्रेशर आलम जी करेंची पोर्ट कासम टू कसूर पंजाब एंड। नेक्स्ट कबड्डी वर्ल्ड कप 2020 कहते हैं कि कबड्डी वर्ल्ड कप 2020 फाइनल वाज प्लेड इन वी सिटी, कहाँ पर हुआ है, लाहौर में।
इन कबड्डी वर्ल्ड कप 2020 फैन प्लेड बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया के दरमियान हुआ था। हु मैनी टाइम पाकिस्तान विन कबड्डी वर्ल्ड कप? पाकिस्तान वन इन 2020 फरवरी 16 फरवरी 2020। हु मैनी टाइम इंडिया कबड्डी, इंडिया ने 6 दफ़ा वर्ल्ड कबड्डी कप जीता है। हु मैनी कबड्डी वर्ल्ड कप प्लेड इन टिल 2020 यानी 7 से होस्ट एंड वन पाकिस्तान। टोटल ड्यूरेशन ऑफ कबड्डी वर्ल्ड कप मैच 40 मिनट होता है। इसकी कितनी ट्यूशन होती है? 40 मिनट की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गालप इंटरनेशनल एनुअल पॉपुलरिटी इंडेक्स विच मुस्लिम लीडर ऑन द टॉप, यानी कौन सा मुस्लिम लीडर टॉप नंबर पर है? वो है यानी तुर्किश प्रेसिडेंट अर्जन 30 नंबर पर, उसके और सऊदी अरेबिया किंग सुलेमान बिन अब्दुल अजीज दूसरे नंबर पर है, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान यानी का किसी भी महदे में कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद कहता है कि विच क्रिकेट प्लेयर विल बी गिवन हाईएस्ट सिविल अवार्ड ऑफ पाकिस्तान ओनली सिटीजनशिप ऑफ पाकिस्तान? डैरन समी कहता कि निशाने पाकिस्तान ऑन 23 मार्च बाय प्रेसिडेंट आरफ इलवी समी टू बी होनर्ड फॉर रूल इन ब्रिंगिंग बैक इंटरनेशनल क्रिकेट टू पाकिस्तान। उसको यानी डैरन समी को मिला है निशाने पाकिस्तान आरफ इलवी की तरफ से। ऑन विच डेट इमरान खान अनवील्ड न्यू पॉलिटिकल मैप ऑफ पाकिस्तान विच आल्सो इंक्लूड ऑक्यूपाई कश्मीर, यानी 4 अगस्त 2020 कह रहे हैं विच डेट इमरान खान अनवील्ड न्यू पॉलिटिकल मैप ऑन पाकिस्तान विच आल्सो इंक्लूड ऑक्यूपाई कश्मीर। कब उन्होंने शामिल किया था? 4 अगस्त 2020 को। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ऑन 4 अगस्त 2020 अनवील्ड न्यू पॉलिटिकल मैप ऑफ पाकिस्तान विच इंक्लूड ऑक्यूपाई कश्मीर। उन्होंने मैप बनाया था जिसमें कश्मीर को भी कॉपी किया था। नेक्स्ट, ये आप देख सकते हैं उन्होंने ये मैंने धरा लगा कर बताया हुआ है। नेक्स्ट, विच डे सेलिब्रेटेड इन पाकिस्तान 27 फरवरी? 27 फरवरी को क्या दिन मनाया जाता है? ये सरप्राइज डे, सरप्राइज डे, क्योंकि वहाँ पर हमने इंडिया का जो जहाज गिरा था उनको तबाह किया था। कहते हैं ट्रिब्यूट आर्टिलरी अटैक बाय द पाकिस्तान एयरफोर्स ऑन बोर्ड चैट इंडियन अटैम्प्ट टू स्टिक बालाकोट दिस टाइम लास्ट ईयर 27 फरवरी 2021 का नाम दिया जाता है सरप्राइज डे। कहते कि फर्स्ट एवर यंगेस्ट क्रिकेटर टै ऑफ टेस्ट हाईएस्ट हु मेड हैट्रिक, उसका नाम क्या था? नसीम शाह। कहते हैं फर्स्ट ओवर यंगेस्ट क्रिकेटर ऑफ द टेस्ट हिस्ट्री हु मेड हैट्रिक, उसका नाम क्या था? नसीम शाह ड्यूरिंग पाकिस्तान वीएस बांग्लादेश इन आईसीसी टेस्ट चैंपियन लीग 2020। बोर्न 15 फरवरी 2003, एज 17 साल, लोअर डीर केपीके पाकिस्तान का ये। नेक्स्ट कहते कि हु इज द यंगेस्ट फास्ट बॉलर इन द हिस्ट्री ऑफ पिक अप यानी फीफर 5 विकेट इन टेस्ट? नसीम शाह ने 5 ओवर 31 अगेंस्ट श्रीलंका अगेंस्ट एज 16 साल, ये ब्रोक मोहम्मद अमर रिकॉर्ड 17 ईयर। नेक्स्ट कहते पाकिस्तान रैंक इन 2020 इन यूएनए वर्ल्ड हैप्पीनेस, पाकिस्तान का हैप्पीनेस में 86 नंबर आउट ऑफ 156 कंट्री इन 2019-67। फाइनलैंड पहले नंबर पर, डेनमार्क दूसरे नंबर, स्विट्जरलैंड और आइसलैंड चौथे नंबर पर है। कहते हैं कि व्हाट इज़ द लेटेस्ट पॉलिसी रेट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जो लेटेस्ट रेट पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान की है वो कितनी है? 7.00 यानी 7% PNA यानी पर अनम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं विच पाकिस्तानी पॉलिटिशियन हैज़ रिसेंटली
डिक्लेयर मैन ऑफ द ईयर इन द मुस्लिम ऑफ द वर्ल्ड, कहता है कि विच पाकिस्तानी जो पॉलिटिशियन था रिसेंटली है डिक्लेयर मैन ऑफ द ईयर, मैन ऑफ द ईयर पाकिस्तान के किस वजीर आजम को कहा जाता है, इमरान खान को, ठीक है, इसको मैन ऑफ ईयर कहा गया था। कहते हैं जॉर्डन बेस्ड पब्लिशन है डिक्लेयर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान मैन ऑफ द ईयर इन द मुस्लिम वर्ल्ड, वाइल यूएसए कांग्रेस मैन रशीदा तालिब हैज़ बिन डिक्लेयर वो मैन ऑफ द ईयर, जबकि यूएसए का यानी कांग्रेस वो मैन रशीदा तालिब हैज़ बिन डिक्लेयर, इट्स यारमा एनुअल शो मुस्लिम 500 द वर्ल्ड फाइव मोस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जनरल नॉलेज सुबह पंजाब के हमले सवाल थे ये जो मैंने बता दिए हैं। नेक्स्ट सियालकोट लाहौर मोटरवे कॉल्ड, जो सियालकोट लाहौर मोटरवे को क्या कहा जाता है, M11 ओपन फॉर पब्लिक एज सून 18 मार्च 2020, नॉर्थ साउथ मोटरवे इन पंजाब, टोटल लेंथ 103 किलोमीटर, ऑन विच डेट पाकिस्तान रिकॉर्ड इट फर्स्ट कोरोना वायरस कोविडा, जो पाकिस्तान में पहला कोरोना वायरस की वजह से जो डेथ हुई थी वो कब हुई थी, इन गिलगित बाल्टिस्तान में पर्सन वाज 90 साल ओल्ड था, यानी रेजिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट यानी चिलास का था वो, यानी ये 18 मार्च को उसकी पहले डेथ हुई थी। नेक्स्ट हु बिकेम द फर्स्ट डॉक्टर टू ले डाउन लाइफ इन बैटल अगेंस्ट कोरोना वायरस, पाकिस्तान का जो पहला डॉक्टर जो कोरोना वायरस की वजह से दुनिया से रुखसत हो गया था उसको क्या कहा, उसका नाम क्या था, डॉक्टर उसामा रियाज, बिलोंग टू गिलगित बाल्टिस्तान। नेक्स्ट विच नेशन विल होस्ट एशिया कप वर्ल्ड कप इन द 2020, वो पाकिस्तान 2022 का जो वर्ल्ड कप एशिया हुआ होना है वो कहाँ पर होना है, पाकिस्तान में। 2020 एशिया कप वा शेड्यूल टू बी 16वां एडिशन ऑफ द एशिया वर्ल्ड कप, जो 16वां एडिशन होना है वो पाकिस्तान में होना है, विद मैचेस बीइंग प्लेड 2020 इंटरनेशनल, श्रीलंका प्लान होस्ट ऑफ द एशिया वर्ल्ड कप, इसका प्लान किसने शो किया है, श्रीलंका ने। नेक्स्ट हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान की पहली फीमेल जनरल लेफ्टिनेंट आर्मी कौन थी, यानी नागर जौहर, मेजर जनरल नागर जौहर, प्रोमिनेंट लेफ्टिनेंट जनरल, शी इज़ द फर्स्ट फीमेल ऑफिसर टू प्रमोटेड एट लेफ्टिनेंट जनरल ऑफिसर हैज अपॉइंटेड द फर्स्ट मेल सर्जन जनरल ऑफ पाकिस्तान आर्मी, लेफ्टिनेंट जनरल नागर जौहर फ्रॉम द यानी पंजपीर डिस्ट्रिक्ट स्वाबी KPK। नेक्स्ट करंट इस्लामिक ईयर, जो करंट इस्लामिक ईयर है 1442 यानी 1442 ईयर, इस्लामिक ईयर इज कॉल्ड द हिजरी ईयर यानी अरबिक ईयर, फर्स्ट इस्लामिक मंथ मुहर्रम द फाउंडर ऑफ द हिजरी ईयर सेंगड़ खलीफा उमर बिन अल खताब, खताब क्यों इसको कहा जाए, खताब हज़रत उमर अलैहिस्सलाम के पापा का नाम था, कंसर्डर्ड टू बी क्रिएटर ऑफ द हिजरी कैलेंडर, हज़रत उमर अलैहिस्सलाम ने कैलेंडर हिजरी बनाया था, और हज़रत उमर अलैहिस्सलाम ने जो यानी जेल खाना जात भी पुलिस वाला खाना जात भी हज़रत उमर ने ही बनाए थे। नेक्स्ट प्रेजिडेंट आरफ इलवी कन्फर्म, प्रेजिडेंट आरफ इली कन्फर्म निशान हैदर टू कश्मीर लीडर सैयद अली शाह गिलानी ऑन 14 अगस्त 2020, जो प्रेसिडेंट आलफ इलम आरवर्फ इलमी थे उन्होंने निशाने पाकिस्तान किसको दिया था, कश्मीरी लीडर सैयद अली शाह गिलानी को 14 अगस्त 2020 को, द वार्डर सी बाय यानी हुरियत यानी आज़ाद जम्मू कश्मीर लीडर बिहाफ ऑफ द सैयद अली गिलानी, सैयद अली गिलानी 27वीं फौरी रिसीव्ड निशान हैदर, यानी सैयद अली गिलानी 87वें नंबर पर रिसीव करने वाले थे, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि ओ मैनी फौरी पर्सनैलिटी गोट निशाने पाकिस्तान, पाकिस्तान में फौरी यानी कितने निशाने हैदर के गए, 27 निशाने हैदर इज द हाईएस्ट सिविल वार डिक्लेरेशन पाकिस्तान, द वार वाज एस्टैब्लिश, ये यानी निशाने पाकिस्तान कब वार एस्टैब्लिश किया गया था, ये 19 मार्च 1957 को, दिस वार्ड लाइक अदर सिविलियन वार्ड इज अनाउंस 14 अगस्त इन विच ईयर एंड इट्स इन्वेस्टर टेक्स प्लेस फॉलोइंग 23 मार्च। नेक्स्ट प्रेजिडेंट डॉक्टर आरफ अली कन्फर्म्ड पाकिस्तान सिविल वार टू 184 पाकिस्तानी फॉरियन इन रिगुलरिटी ऑफ देयर सर्विस टू पाकिस्तान 14 अगस्त 2020, ठीक है। प्रेजिडेंट आरफ
फ्राइडे कन्फर्म पाकिस्तान सिविल वार टू 184 कंट्री एंड फोर रिकॉग्नाइज ऑफ देयर सर्विस पाकिस्तान शो एक्सलेशन इन देयर रिस्पेक्टिव द इन्वेस्टिंग सरमनी सेड डैट अवार्ड शुड बी हेल्ड ऑन 23 मार्च 2021। नेक्स्ट आफ्टर तफ्तन गवादर रमदहन इज द सेंगड एंड न्यू इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट बिटवीन ईरान एंड पाकिस्तान। कहता है कि आफ्टर तफ्तन यानी तफ्तन के बाद गवादर रमदहन इज द सेंगड न्यू इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट बिटवीन ईरान एंड पाकिस्तान। आपसे पूछ सकता है कि आफ्टर तफ्तन के बाद पाकिस्तान का दूसरा सोर्स कौन सा है, यानी बॉर्डर क्रॉस करने के लिए ईरान और पाकिस्तान के दरमियान वो कौन सा है, गवादर रमदहन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हु मैनी डिस्ट्रिक्ट आर दे आर सिंध। सिंध में पहले 29 डिस्ट्रिक्ट थे, अभी हो गए वो 30। कितने हो गए 30 डिस्ट्रिक्ट आर देयर एंड KPK। अब मैं आपको टोटल सभी बता रहा हूँ, KPK में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं इन सिंध कश्मीरी न्यूली क्रिएटेड इन 2000, जो अभी हुआ है सिंध में वो किमारी था, तो उनके टोटल हो गए 30। और डिस्ट्रिक्ट KPK में कितने हैं 34, डिस्ट्रिक्ट पंजाब में कितने हैं 36, डिस्ट्रिक्ट बलूचिस्तान के कितने हैं 34। आप देख सकते हैं KPK भी 34 हैं, बलूचिस्तान के भी 34 हैं, और डिस्ट्रिक्ट सिंध के 30 हैं, और डिस्ट्रिक्ट आज़ाद जम्मू कश्मीर के 10, और डिस्ट्रिक्ट गिलगित बाल्टिस्तान के 14। ये क्वेश्चन वो काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं विच होली श्राइन रिसेंटली अनसील्ड आफ्टर 36 ईयर ऑफ द क्लोज सिंध ऑन जनवरी 25 मार्च 2020। लॉरी शरीफ श्राइन का विच होली श्राइन रिसेंटली अनसील्ड, कहते हैं 36 साल ऑफ क्लोज टू सिंध 25 जनवरी 2020, वो कौन था यानी लॉरी शरीफ श्राइन। कहता कि ऑन जनवरी 25 जनवरी 2020 ए 286 फुट टॉल पब्लिक आर्ट यानी मुनरल नेम्ड यानी राइजिंग ब्लू वाज अनवील्ड एंड सेंट्रल पॉइंट इन करांची। नेक्स्ट हु इज द सिलेक्टेड फ्रॉम पाकिस्तान फॉर द प्रेजिडेंसी ऑफ द एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑफ द यूनेस्को चेयरमैन यानी मैनुअल हक। कहते हैं मैनुअल हक इज इलेक्टेड फ्रॉम पाकिस्तान फॉर द प्रेजिडेंट ऑफ एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑफ द यूनेस्को चेयरमैन। नेक्स्ट हु इज द करेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या है, वो है सिकंदर सुल्तान राजा। अकॉर्डिंग टू 2020 अमेंडमेंट आर्मी चीफ एंड चेयर जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी कैन बी अपॉइंटेड फॉर द टेनर अप। कितने के लिए होता है 3 ईयर के लिए। नेक्स्ट विच पाकिस्तानी साइंटिस्ट इज अवार्डेड टू चाइना इंटरनेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन अवार्ड फॉर 2020 डॉक्टर अताउर रहमान को। डॉक्टर अताउर रहमान को इज अवार्डेड चाइना इंटरनेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन अवार्ड फॉर 2020 के लिए। नेक्स्ट पाकिस्तान एंड चाइना हैव डिसाइडेड टू डिवेलप विच सिटी फॉर मेजर इंडस्ट्रियल हब। कहते हैं पाकिस्तान और चाइना ने वह डिसाइडेड किया है डिवेलप विच सिटी को मेजर इंडस्ट्रियल के लिए, किसको किया है फैसलाबाद को। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू हेनले पासपोर्ट इंडेक्स तो अभी पाकिस्तानी पासपोर्ट हैज़ बीन रैंक एज द 4th पासपोर्ट फॉर द इंटरनेशनल ट्रैवलर। पाकिस्तान एंड जर्मनी साइन द टेक्निकल कॉरपोरेशन एग्रीमेंट वर्थ यानी 10 मिलियन इन दिसंबर 2020। कहते पाकिस्तान एंड जर्मनी ने साइन किया है टेक्निकल कॉरपोरेशन एग्रीमेंट वर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का इंग्रेडेड यानी अजकल ड्राई पोर्ट इन नौशेरा 10 जनवरी 2020। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने क्या किया है यानी अजगल ड्राई पोर्ट इन नौशेरा 10 जनवरी 2020 को।
ठीक है, उसके बाद टोटल पोलियो गैस रिपोर्टेड या पोलियो केसेज रिपोर्टेड इन 2020 वाज 83, यानी टोटल पोलियो केसेज रिपोर्टेड 2020 कितने हुए हैं, 83 आप दे सकते हैं। नेक्स्ट, नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान पासी जैनब अलर्ट बिल फॉर रिकवरिंग ऑफ द मिस चिल्ड्रिंग चिल्ड्रन ऑन 10 जनवरी 2020। के नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान पासे द जैनब अलर्ट बिल फॉर रिकवरी ऑफ द मिसिंग चिल्ड्रन 10 जनवरी 2020 को पास किया था। नेशनल असेंबली आर्मी अमेंडमेंट एक्ट 1952 ऑन 7 जनवरी 2020, जो नेशनल असेंबली आर्मी अमेंडमेंट एक्ट 2020 का है 7 जनवरी 2020। फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर फखरुद्दीन जी इब्राहिम पास्ट वे इन करंची 7 जनवरी 2020, जो इलेक्शन कमिश्नर थे फखरुद्दीन जी इब्राहिम पास्ट वे इन करंची 7 जनवरी 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान लॉन्च द जिंदगी आप टू कंट्रोल ड्रग अब्यूज ऑन 6 जनवरी 2020। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने लॉन्च किया था जिंदगी आप टू कंट्रोल ड्रग अब्यूज ऑन 6 जनवरी 2020 को। नेक्स्ट कहता है, बी बैंक लिमिटेड हैज बीन अवार्डेड लाइसेंस टू बिकम पाकिस्तानी हबीब बैंक लिमिटेड हैज़ बीन अवार्डेड द लाइसेंस टू बिकम पाकिस्तानी बैंक ऑफर यानी फाइनेंशियल सर्विस टू क्लाइंट इन बीजिंग चाइना। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ द यानी रुते हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद, यानी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ द रुतेल हिलाल कमेटी। हु मैनी पाकिस्तानी मॉन्ग वार्डर टॉप 100 आउटस्टैंडिंग वो मैन नर्सिस एंड मिडवाइज फॉर ईयर 8। विच कंट्री नेवी इज होस्टिंग द मल्टी नेशनल मैरिटाइम एक्सरसाइज अमान 2021, वो कौन सा है, पाकिस्तान। शहीन आईएक्स जॉइंट एयर एक्सरसाइज बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना। नेक्स्ट, विच क्रिकेटर अवार्डर हॉनरली रैंक ऑफ द लेफ्टिनेंट बाय पाकिस्तान नेवी 27 दिसंबर 2020, फखर जमान। कहता विच क्रिकेटर अवार्डर हॉनरली रैंक ऑफ द लेफ्टिनेंट बाय पाकिस्तान नेवी 28 दिसंबर 2020, यानी फखर जमान। यानी गैबरेज डिक्शनरी हैज़ नेम्ड यानी क्वारंटाइन एज द वर्ड ऑफ द ईयर 2020। गैबरेज डिक्शनरी हैज़ नेम्ड क्वारंटाइन एज द वर्ड ऑफ द ईयर। पाकिस्तान पोस्ट मूव्स टू 67 आउट ऑफ 170 पोजीशन अन यूनिवर्सल पोस्ट यूनियन वर्ल्ड रैंकिंग 2020। वर्ल्ड यूनिवर्सल पोस्ट रैंकिंग 2020 170 में से 67 था। नेक्स्ट, ऑन विच डेट इंडियन ट्रोप्स टारगेटेड टू द व्हीकल ऑफ द यूनाइटेड नेशनल मिलिट्री ऑब्जर्व ऑन द क्रिकेटर सेक्टर लॉन्ग द LOC 28 दिसंबर 2020। नेक्स्ट, ऑन विच डेट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान लॉन्च बिलियन ट्री हनी इनिशिएटिव टू बूस्ट हनी प्रोडक्शन 22 दिसंबर 2020। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ द नेशनल लैंग्वेज अथॉरिटी नेशनल लैंग्वेज प्रमोशन डिपार्टमेंट। कहता है कि न्यू नेम ऑफ द नेशनल लैंग्वेज अथॉरिटी का न्यू नेम क्या है, नेशनल लैंग्वेज प्रमोशनल डिपार्टमेंट। नेक्स्ट, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हैज़ नॉमिनेटेड 5 पाकिस्तानी क्रिकेटर फॉर द ओडी टीम ऑफ द डिकेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है कि फॉरब्स इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग पाकिस्तानी कंपनी इज एशिया बेस्ट अंडर अ बिलियन लिस्ट यानी AMB यानी सिस्टम लिमिटेड पाकिस्तान, उसके बाद यानी फरोज 88
मिलियन लिमिटेड, यानी मीर जफरुल्ला खान जमाली सर्वड एट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पास्ट वे एट द एज ऑफ 76 साल ऑन 2nd December 2020। मियाँ जफरुल्ला खान जमाली जो पीएम पाकिस्तान के थे पास्ट वे 76 साल की उम्र में 2 अगस्त 2020 को। पाकिस्तानी आर्मी कैडेट मोहम्मद हारिस मिराज हैज़ बीन डिक्लेयर ओवर बेस्ट फॉरेन नेशनल मिलिट्री कैडेट बाय आरएमसी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, इन विच सिटी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इनॉग्रेटेड पाकिस्तान न्यू प्राइवेट एयरलाइन एयर सियाल ऑन 29 दिसंबर 2020 सियालकोट। कहते हैं कि इन विच ईयर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान न्यूली प्राइवेट एयरलाइन ऑन 29 दिसंबर 2020 यानी सियालकोट। विच ऑफ द फॉलोइंग पाकिस्तानी लेक्चर रैंक अमोंग द वर्ल्ड टॉप 1% कंप्यूटर साइंस रिजर्व डॉक्टर मुबशर हुसैन रहमानी। नेक्स्ट, ओ बिकम द फर्स्ट फीमेल असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस ऑफ द बलोचिस्तान यानी पारीगुल तरीन पारीपुल ग्रीन द फर्स्ट फीमेल यानी ASP ऑफ द बलोचिस्तान। जो फर्स्ट ASP ऑफ द बलोचिस्तान की कौन थी यानी पारीगुल तरीन ऑफ द बलोचिस्तान। नेक्स्ट, कहते व्हाट इज द रैंक ऑफ अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 यानी 7। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च कश्मीर प्रीमियर लीग इन इस्लामाबाद यानी शहरयार अफरीदी लॉन्च कश्मीर प्रीमियर लीग इन इस्लामाबाद। शहरयार अफरीदी ने यानी प्रीमियर लीग इन इस्लामाबाद। नेक्स्ट, पाकिस्तान ने सक्सेसफुली टेस्ट एयर लॉन्च करजाय मजैर रदे पार्ट 2। व्हाट इज द रेंज 600 किलोमीटर। नेक्स्ट, नेम ऑफ द बुक कंप्लीट इन पीरियड 14,000 ईयर स्पाइसी ऑफ द फ्लावर फाउंड इन पाकिस्तान फ्लोरा ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट, ऑन विच डेट UNA सेक्रेटरी जनरल अंटोनियो गुटेरेस अराइव इन पाकिस्तान 16 फरवरी 2020। 16 फरवरी 2020 एड्रेस टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 40 होस्टिंग अफगान रिफ्यूजी पाकिस्तान और इस्लामाबाद। तुर्किश प्रेसिडेंट यानी तैयब अडोर्जन 4 टाइम यानी एड्रेस जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान 4 दफ़ा उन्होंने किया था। हु बिकेम द फर्स्ट पाकिस्तान फीमेल ब्रेक इन टू द बैडमिंटन टॉप 140 यानी महूर शहजाद फर्स्ट पाकिस्तानी फीमेल टू ब्रेक इनटू बैडमिंटन टॉप 140। पाकिस्तान बिकेम द 11वां लार्जेस्ट आर्मी इंपोर्टर इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान 11वें नंबर पर आर्मी इंपोर्टर है। चाइना वाज द मेजोरिटी ऑफ सप्लाई एंड अकॉर्डिंग टू 73% टोटल आर्मी इंपोर्टेड पाकिस्तान 2015-2020। रशिया 6% इटली 3rd नंबर पर। नेक्स्ट, विच कंट्री इज द मेन इंपोर्टर ऑफ द वीपन बिटवीन 2015-2019। वो कौन था? इजिप्त विज सऊदी अरेबिया 12%, इंडिया 9.2, चाइना 4.3। जो कि विच कंट्री मेन इंपोर्टर ऑफ द वीपन बिटवीन 2015 वो है सऊदी अरेबिया। हु आर द 5 लार्जेस्ट आर्म एक्सपोर्टर इन 2015-2020। वो कौन से हैं? USA रशिया फ्रांस जर्मनी एंड चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल एंड सेक्शन गवर्नमेंट ऑथराइज पाक आर्मी फॉर असिस्टेंट ऑफ द सिविल यानी एडमिनिस्ट्रेशन। आर्टिकल 245 सेक्शन 131 ऑफ द CRP 1988। नेक्स्ट, पाकिस्तान बहरीन ज्वाइन एक्सरसाइज अल बदर IV 2020 वाज हेल्ड नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर बाबी। हाईएस्ट मेल फीमेल गैप ऑन सेल फोन ओनरशिप रजिस्टर्ड ऑन विच कंट्री यानी कि हाईएस्ट मेल फीमेल गैप ऑन सेल फोन ओनरशिप रजिस्टर्ड ऑन विच कंट्री वो कौन से हैं? पाकिस्तान। यह GSM रिपोर्ट 2020 यानी 81 PC पाकिस्तानी मेल ऑनर मोबाइल सेट कंपेयर्ड यानी 50 PC फीमेल। किंग ऑफ द कॉमेडी अमानुल्लाह पास वे 6 मार्च 2020।
हमामुल्ला जो थे वो किंग ऑफ द कॉमेडी यानी कॉमेडी के थे, वो पास कब हुए, गुजर गए 6 मार्च 2020 को। व्हाट वाज द नेम ऑफ द पाकिस्तान एयरफोर्स विंग कमांडर हु यानी इम्ब्रेस्ड शहादत एफ 6 क्रैश इन इस्लामाबाद ड्यूरिंग पाकिस्तान डे यानी रिहर्सल। विंग कमांडर नुमान अकरम यानी 11 मार्च 2020। इन पाकिस्तानी कोरोना वायरस केम फ्रॉम विच नेबर कंट्री, पाकिस्तानी कोरोना वायरस कौन सा था, ईरान, या जाफरी। पाकिस्तानी कोरोना वायरस फ्रीडम स्क्योर यानी 54 पॉइंट रैंक 135 इन द वर्ल्ड यानी फ्रीएस्ट कंट्री 2020 इंडेक्स, चाइना 103। विच म्यूरल क्लेम टू द वर्ल्ड टॉलेस्ट अनवील्ड इन करंची, राइजिंग ब्लू म्यूरल, कहता है विच म्यूरल क्लेम टू द वर्ल्ड टॉलेस्ट अनवील्ड ची राइजिंग ब्लू म्यूरल। विच पाकिस्तानी सेंसेट हैज़ बीन इलेक्टेड चेयर ऑफ द कंसुलेटिव ग्रुप ऑफ द एक्सपर्ट ऑफ UNA फ्रेमवर्क यानी कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, आरिफ जौहर। विच कंट्री वॉन द ICC वोमेन वर्ल्ड कप T20 2020, वो किसने किया था 2020 का जो ICC वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में। विच कंट्री विल होस्ट ISC वो मैन वर्ल्ड कप T20 वो भी ऑस्ट्रेलिया में, टीम पार्टिसिपेट फॉर द वो मैन वर्ल्ड कप T20 यानी 10, हु हैज़ बीन वोन द मोस्ट वो मैन T20 वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया यानी आउट ऑफ 7 में से 5। वेयर इज T20 वर्ल्ड कप दो बी हेल्ड, ऑस्ट्रेलिया 18 अक्टूबर 15 नवंबर 2020। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान प्रॉमली लॉन्च 144 मिलियन एहसास और सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम 9 अप्रैल 2020। स्क्वैश लेजेंड आजम खान डाइड एट द एज ऑफ 95 ऑन 28 मार्च 2020। ही हैड वॉन द ब्रिटिश ओपन 4 टाइम बिटवीन 1969 एंड 1962। ही डाइड ऑफ कोरोना वायरस एट द 95 इन UK। यानी बाइको ORC इज द लार्जेस्ट ऑयल रेफिनरी इन द पाकिस्तान विद डिजाइन प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 1,20,000 PDP, लोकेशन मूजा कंड डिस्ट्रिक्ट लसबीला बलोचिस्तान। करंची स्टॉक एक्सचेंज टैग ऑन विच डे टेररिज्म टैग ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज टैग बिल्डिंग करंची 29 जून 2020 यानी BN बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी। सर तारक अजीज पाकिस्तानी एक्टर एंड टेलीविजन होस्ट तारक अजीज हैज डाइड एट द एज ऑफ 84 इन लाहौर 17 जून 2020। नीलम गहर द पंजाब गवर्नमेंट प्रोविजनल गवर्नमेंट हैज मेड इज मेजर यानी मैंडेटरी फॉर द अनवर्सटाइल टीच स्टूडेंट होली कुरान विद ट्रांसलेशन, नोटिफिकेशन पास ऑन 14 जून 2020। हु प्रेजेंटेड फेडरल बजट फॉर द फिजिकल ईयर 2020-2021 12 जून 2020, हामद अजहर। यानी कि हु प्रेजेंटेड द फेडरल बजट फॉर फिजिकल 2020-2021 12 मार्च 2020, किसने, हामद। टोटल बजट दैन 2021 7.13 बिलियन। FBI टैक्स चार्ज कीप्ड ऑन द 4.55, डिफेंस एलोकेशन 1.3 ट्रिलियन फेडरल। नेम द पाकिस्तानी हु हैज बीन गिवन द रॉयल ऑर्डर टू द यानी शमतरी अवार्ड फॉर हिज द आउटस्टैंडिंग सर्विस इन कंबोडिया यानी अमजद शेर अली। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द पाकिस्तानी फर्स्ट स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर अफगानिस्तान यानी एम्बेसडर मोहम्मद सादिक। एम्बेसडर मोहम्मद सादिक हैज बीन अपॉइंटेड पाकिस्तानी फर्स्ट स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अफगानिस्तान। नेम द पाकिस्तानी फर्स्ट सिख फीमेल जर्नलिस्ट हु हैज़ बीन सिलेक्टेड वन ऑफ सो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सिख पर्सनैलिटी इन वर्ल्ड यानी मनमीत कौर। मनमीत कौर पाकिस्तानी फर्स्ट सिख वोमैन जर्नलिस्ट रिसीव UK अवार्ड। फार्मर यानी जमात इस्लामी आमिर सैयद मनवर हुसैन पास्ट वे 26 जून 2020। सैयद मुनव्वर पास्ट वे 26 जून 2020 एट द एज 79। ही वाज द सरफ्राइजिंग फ्रॉम द चेस्ट पेन। ही वाज सिलेक्टेड एज द जेल मेयर ऑफ द करंची 1991।
डिप्टी सेक्रेटरी ने सुबह ही सर्वड यानी जी अमीर फ्रॉम 2009 था 2014 विच कंट्री बिकेम द परमानेंट मेंबर ऑफ द एससीओ यानी यूथ काउंसिल इन जुलाई 2020 पाकिस्तान हु मैनी परमानेंट मेंबर ऑफ द एससीओ यूथ सोन इंडिया चाइना रशिया कर यानी कर्जिया पाकिस्तान ताजिकिस्तान अजबाकिस्तान और काजिकिस्तान पाकिस्तान हैज साइन एन एग्रीमेंट विद चाइना फॉर 700 यानी एम मेगावाट आज़ाद पैटर्न हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन जुलाई 2020 आज़ाद पैटर्न हाइड्रो प्रोजेक्ट इन लोकेटेड इन एट रिवर जेलम एक्सेप्टेड कंप्लीट 2026 पाकिस्तान एम टू जनरेट 30% ऑफ द क्लीन एनर्जी बाई 2020 पाकिस्तान एम टू जनरेट 30% क्लीन टू एनर्जी 2020 नेक्स्ट विच कंट्री विल होस्ट द वर्ल्ड टेररिज्म फोरम दो दी पाकिस्तान नेक्स्ट व्हाट इज द रैंक ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू इंडियन न्यूक्लियर थिएटर इंटेटिव न्यूक्लियर सेक्रेटरी इंडेक्स 19 नंबर पर है जबीला थ्रोयर टू द फर्स्ट पाकिस्तानी डायरेक्टर क्वालिफाई फॉर द टोक्यो ओलंपिक 2020 अरशद नदीम जबिलियन थ्रोवर अरशद नदीम इज द फर्स्ट पाकिस्तान डायरेक्टर क्वालिफाई फॉर द टोक्यो ओलंपिक 2021 हु रोड द बुक पश्तन हरिस बिलाल बिलावल लतीफ दीवार बिलावल लतीफ दीवार ने पश्तन हॉर्स बुक लिखी थी पाकिस्तान हैज़ फाउंड न्यू डिपॉजिटेड ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेटरी वेल यानी मेमखिल साउथ लोकेटेड इन ताल ब्लॉक KPK रिन्यूड पाकिस्तानी मजिशियन इकबाल हुसैन पास्ट वे 16 जुलाई 2020 यानी रिन्यूड पाकिस्तानी मैगजिशियन इकबाल हुसैन पास्ट वे 16 जुलाई 2020 हु इज़ द फर्स्ट इंटरनेशनल फीमेल वाइस प्रेसिडेंट बायोलॉजी एंड मेडिकल सेक्शन इन द मैक्स प्लैनक सोसाइटी जर्मनी आसिफा अख्तर नेक्स्ट हु हैज़ बीन इंग्रेडेड फैसिलिटी कंट्री फर्स्ट ओवर यानी इंडिजेनरसली मेड यानी वेंटिलेटर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान 6 जुलाई 2020 हु हैज़ इंग्रेडेड द फैसिलिटी टू कंट्री द फर्स्ट ओवर यानी इंटिग नोजली मेड वेंटिलेटर 6 जुलाई 2020 इंटरनेशनल करंट अफेयर लिंक अवेलेबल डिस्क्रिप्शन हु मैनी पाकिस्तान रिलीज फ्रॉम UAE इन जेल 2020 यानी हु मैनी पाकिस्तान रिलीज फ्रॉम UAE जेल इन 2020 1200 गवर्नमेंट या नॉन टू ऑब्जर्व योम इस्तकलाल कश्मीर 5 अगस्त योम गवर्नमेंट अनाउंस द ऑब्जर्व योम यानी इस्तकलाल 5 अगस्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ग्रेटर पेशावर बस रैपिड ट्रांसमिशन 13 अगस्त 2020 ऑन विच डेट UNA नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मिनिमम बिल 2020 पास बाय द इंटरनेशनल असेंबली 29 जुलाई 2020 पाकिस्तानी डिफॉरेस्टेशन रेट सेंकड हाईएस्ट इन एशिया पाकिस्तान डिफॉरेस्टेशन रेट इन सेंकड हाईएस्ट इन एशिया उसके बाद हु हैज़ बीन बिकम द सिक्स्थ पाकिस्तानी क्रिकेटर टू ज्वाइन द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हाफ ऑफ द फ्रेम 23 अगस्त 2020 जहीर अब्बास टिल दिसंबर 2020 हाईएस्ट डेथ रेट ड्यू द कोरोना वायरस इन कंट्री USA टाइगर फोर्स डे रिसेंटली ऑब्जर्व विच डे 29 अगस्त 2020 टाइगर फोर्स डे 9 अगस्त 2020 पाकिस्तानी हैज़ रिसेंटली एक्वायर्ड एंड एडवांस वारशिप मेड 05A फ्रॉम विच कंट्री चाइना पुलिसी यानी मार्टियर डे ऑब्जर्व ऑन विच डेट 4 अगस्त हु हैज़ रिसेंटली कंस्टिट्यूटेड नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी टेररिज्म इंप्लीमेंट नेशनल काउंटर प्राइम मिनिस्टर द वर्ल्ड बैंक अनाउंस द अपॉइंटेड नजे बेंसाई अ न्यू कंट्री डायरेक्टर फॉर विच कंट्री पाकिस्तान बैटल टैंक अल खालिद हैज़ बीन डेवलप्ड कोलैबोरेशन विद चाइना एंड यूक्रेन
द गवर्नमेंट हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश 18 मार्केट्स अलोंग पाथ अफगानिस्तान एंड ईरान बॉर्डर. इमरान खान डिलीवर हिज स्पेशल पी यू एन जनरल असेंबली ऑन 5 सितंबर 2020. विच कंट्री हैज रिसेंटली प्लेज्ड नॉट टू सप्लाई आर्म पाकिस्तान? रशिया. व्हाट इज द रैंक ऑफ द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स? 107 / 133. व्हाट वाज द पाकिस्तान रैंक ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020? 135. हु मैनी टैक्स फिल्टर डिड नेट पे टैक्स फॉर द ईयर? 36%. विच इज द हाईएस्ट टैक्स पेड सिटी ऑफ पाकिस्तान फॉर द ईयर 2018? कराची. हु इज द हाईएस्ट पेड मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान फॉर द ईयर 2018? शाहिद खकान बासी. हु इज द हाईएस्ट टैक्स पेड मेंबर नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान फॉर 2018? शाहिद खकान बासी. वेन पीएम पाकिस्तान लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ द रावी रिवर फोर्ट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट? 15 सितंबर 2020. नेशनल नेवी डे ऑब्जर्व 8 सितंबर. डिफेंस डे 6 सितंबर. एयरफोर्स डे 7 सितंबर. सानिया नश्तर हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO. COS हैज़ रिसेंटली इनॉग्रेटेड यानबुर्ग यानकम्बेड ट्रेनिंग कम्प्लेक्स ऑन 15 सितंबर 2020. द फर्स्ट पुलिस स्टेशन इन तिराह वाज इनॉग्रेटेड ऑन 18 सितंबर 2020. मोर 40% ऑफ पाकिस्तान चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 सुफर लॉन्ग द टर्म हेल्थ प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ सवर यानी मालोट्रेशन. द नेम ऑफ द यंग ग्रुप चेयरमैन पब्लिशर हु पास्ट वे 31 मार्च 2020? मीर जमेद जवेदुर रहमान. नेम ऑफ द जंगे ग्रुप चेयरमैन पब्लिशर हु वाज पास्ट वे 31 मार्च? मीर जवेदुर रहमान. According to recent report release, ADP Pakistan economic will accepted 2% 2021. Nargis Mawalawala name School of the Science Dean yani astrophysician and associated head of the physics department successed Mitchell Sepser. World Polio Day observed 24 October. Pakistan will stay on the FTF grey list यानी फरवरी 2021. व्हाट इज़ द रैंक ऑफ द पाकिस्तान ग्लोबल इम्पुनिटी इंडेक्स 2020? 9 spot. ब्लैक डे रिसेंटली ऑब्जर्व्ड हाईएस्ट लाइट इंडियन कश्मीर. द इंडियन आर्मी इनवाइटेड द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 27 अक्टूबर 1947. चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इनग्रेटेड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इन गिलगित बाल्टिस्तान 6 अक्टूबर 2020. चीफ आर्मी स्टाफ इनग्रेटेड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इन गिलगित बाल्टिस्तान 6 अक्टूबर 2020. अकॉर्डिंग टू रिसेंटली स्टडी विच सिटी ऑफ पाकिस्तान हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ द ओरल कैंसर? कैंची. तंबाकू प्रोडक्ट इज मेन काज ऑफ द ओरल कैंसर. सर्वे रिसेंटली कंडक्टेड बाय द डॉव यूनिवर्सिटी ऑफ द हेल्थ साइंस. पाकिस्तान वाज रिलीज यूनाइटेड नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल विच डेट? 13 अक्टूबर 2020. व्हाट इज़ द रैंक ऑफ पाकिस्तान एशिया पावर इंडेक्स? पाकिस्तान इज द 15th spot. व्हाट इज़ द रैंक ऑफ पाकिस्तान ग्लोबल हंगर इंडेक्स? 88 नंबर पर 107. नेशनल नात ख्वां महबूब अहमद हमदी पास्ट वे ऑन विच डेट? 21 अक्टूबर 2020. मिस्टर हमदानी सफरिंग फ्रॉम द कैंसर फाइटिंग द डेडली डिसीज फॉर लास्ट मैनी मंथ ही वाज बत्तर वी बिलोंग टू लाहौर. गुलबदन यानी हकमथर बिलोंग टू विच कंट्री? यानी हिजबुल इस्लामी अफगानिस्तान. चीफ पाकिस्तान ग्रांटेड प्रोविजनल स्टेट गिलगित बाल्टिस्तान ऑन विच डेट? 1 नवंबर 2020. हॉकी लीजेंड अब्दुल रशीद जूनियर पास्ट वे विच डेट? 4 नवंबर 2020. यानी प्रोमिनेटेड कमेटी ऑफ आजाद कश्मीर डॉक्टर सैफुल्ला वाज किल्ड बाय इंडियन मिलिट्री ट्रॉप ऑन विच डेट? 1 नवंबर 2020. फर्स्ट रोबोट ऑपरेटेड सिविल यानी कोविडा टेस्टिंग लेबोरेटरी हैज बीन ओपन इन विच सिटी ऑफ पाकिस्तान? इस्लामाबाद. पेशावर हाई कोर्ट
चीफ जस्टिस वकार अहमद सेठ पास्ट अवे एट द प्राइवेट हॉस्पिटल इन इस्लामाबाद 12 नवंबर 2020 ड्यू टू कोरोना वायरस। अकॉर्डिंग टू रिसेंटली स्टेटमेंट हु इज द रिचेस्ट एमपीए इन पाकिस्तान, सीएमए के महमूद खान। विच क्रिकेटर प्लेयर हैज रिसेंटली बी कन्फर्म्ड पाकिस्तान बैटिंग कोच फॉर 2 ईयर, फॉर्मर कैप्टन यूनस खान। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पेड हिज द मेडन विच टू विच कंट्री नवंबर 2020, यानी अफगानिस्तान। विच कंट्री सस्पेंडेड विजिट वीजा फॉर पाकिस्तान 11 अदर कंट्री नवंबर 2020, UAE। और इसके साथ मेरे चैनल को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। ये आज के सामने मैं 2020 का मुकम्मल करंट अफेयर आपके सामने पेश किया था, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इसको तैयारी करेंगे तो आपका 2020 का जितना भी करंट अफेयर में कोई कन्फ्यूजन है तो इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। चाहे ये कोई भी पेपर है, ANF का है, कारपोल का है, कोई भी है, इलेक्शन कमिश्नर का है, कोई भी, हर टेस्ट के लिए, ये PMS के लिए, ये CSS के लिए, SSL के, सभी के लिए इंतहा इंपॉर्टेंट है। अल्लाह हाफिज़।